नमस्कार दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे RS-180 एयर पंप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है RS-180 का बॉक्स, जो ओरिजिनल कुछ ऐसे दिखता है। डुप्लीकेट तो मार्केट में अभी तक आया नहीं है RS कम ब्रांड में। ये आके 3 वाट्स का है, पावर एफिशिएंट है, ज़्यादा आपका करंट का बिल नहीं लेगा ये। आप इसको छोटे बड़े हर टैंक में डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप स्पंज डाल रहे हैं। जो हमारे पास में नॉर्मली जो स्पंज मिलता है, छोटा बड़ा मीडियम हर टाइप का स्पंज आप डाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर में कैसे पैकिंग होकर निकलता है। ये आके बिल्कुल अनयूज्ड है, न्यू है, देखिए ऐसा पैकिंग होकर रहता है। इसको निकालेंगे, अब बॉक्स के अंदर में कुछ है नहीं। चलिए वो बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये है RS-180 एयर पंप, छोटा है, ब्लैक है। बिल्ड क्वालिटी तो RS का हमेशा का जैसे क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और उसका जो वायर है, देख लेते हैं कितना बड़ा वायर दिया है इन लोगों ने। ऑलमोस्ट एक 1 मीटर तो नहीं बोल सकते हैं, ये कुछ 2 फीट तक में दिया है। आपको अगर ज़्यादा बड़ा करना है वायर को, तब यहाँ से बीच से कट करके अब वायर को एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको स्विच ऑन करके इसका साउंड कैसा है ना। हम डालेंगे इसमें एक ईयर पाइप हमेशा का जैसे, और पहले डालेंगे हम लोग एक ईयर स्टोन है ना। तो ये देखते हैं हम लोग तो हमने इसको फिट कर दिया है, पावर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं अभी इसका स्पीड। इसमें आके 2 कंट्रोलर है, एक है आपको फास्ट एंड स्लो, ठीक है ना, जो कि ऑयर का बहुत कम है। मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। अब इसको डालते हैं अभी पानी के अंदर में। ये देखिए जो बबल्स आ रहा है आपको, ये है स्लो में और ये है फास्ट। तो काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में आपको मिलता है। ये देखिए स्लो एंड फास्ट, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करता है। जैसे रेट कम है, कंपनी ने रेट तो कम रखा है, तो उस हिसाब से नॉइज़ भी तो थोड़ा रहेगा। हम इसको स्पंज डाल के हम देखेंगे स्पंज के अंदर में इसका क्या, इससे बबल निकलता है। ये देखिए ये छोटा स्पंज है जो बाहर आ रहा है, ये नया है, इसके लिए बाहर आ रहा है। ये फास्ट में पूरा चल रहा है, आप ये देख सकते हैं ये पूरा फास्ट में चल रहा है। और ये हो गया आपका स्लो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको नॉइज़ के लिए आपको ट्राई करूँगा सुनाने के लिए, स्लो में चल रहा है। ये फास्ट में देखिए नॉइज़ थोड़ा सा वाइब्रेट करता है ये, बट आपको जब कम रेट में मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको तो एडजस्ट तो करना पड़ता है। देखिए ये स्लो और ये फास्ट है ना। तो ये था हमारा RS एयर पंप का जो लुक, कैसे उसको यूज़ करते हैं और क्या डाल सकते हैं। जैसे कि ये एयर पाइप डाल के आप स्पंज डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ईयर स्टोन डाल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस सेम, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो आपको व्हाट्सअप में मेरे को मैसेज करिए, मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे में दे दूंगा।